अगर आप किसी भूत या भूतिया जगह पर विश्वास नहीं करते तो बेशक आपको फेयरमोंट बनफ स्प्रिंग होटल को अवॉइड करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब तक आपने ऐसी कई घटनाएं दुनिया भर में सुनी होंगी, लेकिन किसी का कोई सच्चा सबूत नहीं मिला। और ठीक दूसरी तरफ से ये होटल, जो पूरी दुनिया की दूसरी सबसे हॉन्टेड जगह है, जहाँ सिर्फ लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी को न सिर्फ महसूस किया बल्कि देखा तक है। फेयरमोंट बनफ स्प्रिंग होटल, जो कनाडा के प्रांत अल्बर्टा में है, ये एक ऐसा होटल है जो हॉन्टेड है। साथ ही आप इस जगह पर रात में रुकने का रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। चलिए जानते हैं इस होटल के फैक्ट्स को कि आखिर ये दुनिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस क्यों है। ये होटल 1920 में चर्चा में आया, जब इस होटल में आए मेहमान और एक कपल जिनकी शादी इस होटल में होनी थी। ये इस होटल का पहला हादसा था, जब वो होटल की सीढ़ियों से उतरकर अपने होने वाले हस्बैंड की तरफ जा रही थी और अचानक कुछ बहुत डिस्टर्ब करने वाला हुआ। वो अचानक से सीढ़ियों में स्लिप हो गई, जिससे उसका सिर सीढ़ियों के मार्बल से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। लोगों का कहना था कि ये उसकी हाई हील्स की वजह से हुआ, तो कुछ लोगों ने कहा कि उसकी ड्रेस में अचानक से आग लग गई और वो घबरा कर गिर गई। लेकिन हादसे की असल वजह कभी सामने नहीं आई और फिर हादसे होने शुरू हुए। उसकी मौत के बाद वहाँ रुकने आए लोग और होटल के स्टाफ ने किसी औरत को होटल की मेन फ्लोर पर सीढ़ियों के पास डांस करते देखा, वेडिंग गाउन में। हालांकि इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी में किसी को तब तक कोई नुकसान नहीं हुआ था। फिर कुछ वक्त बाद 60 और 70 के दशक में सैम मैकॉले नामक युवक, जो इस होटल के आसपास किसी जानवर का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई, और होटल का स्टाफ और वो रुकने आए लोग इसे एक फ्रेंडली घोस्ट बताते हैं। कई बार इसने लोगों के बैग गायब किए, तो कई बार लोगों के बैग उनके रूम में बोर्ड करने से पहले ही बिना किसी की मदद से पहुंच जाते थे। लोगों का कहना था कि ये सैम का काम है। कुछ गेस्ट का कहना है कि उन्होंने रात के वक्त अपनी जानें बचाई हैं सोते हुए, क्योंकि अचानक ही कोई पिलो से उनकी जान लेने की कोशिश करते हैं रूम में, और उठकर देखो तो पिलो जमीन में होता है और रूम में कोई नहीं होता। और ऐसा ही एक हादसा होटल में रुकी पूरी फैमिली के साथ हुआ, जब पूरी फैमिली का उस रूम में इसी तरह से मर्डर हो गया। हालांकि उस कमरे का नंबर हमेशा दुनिया से छुपाया गया। इस तरह कई गेस्ट ने रात के वक्त अपने रूम में जोरदार चिल्लाने और चीखने की आवाज सुनी। जब उठकर देखा तो जमीन के फर्श पर पैरों और हाथों के निशान बने थे खून से। उस कमरे को सील करके रखा गया, जहां आज तक कोई नहीं गया। फिलहाल ये होटल आज भी है, लेकिन कोई भी इधर रात में रुकता नहीं है। अगर आप पैरानॉर्मल एक्टिविटी को करीब से देखना चाहते हैं, यकीन करना चाहते हैं, तो ये होटल आपके लिए रात गुजारने के लिए सही जगह है।